बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा टीएमसी की प्राथमिकता केवल अपराधियों को बचाना। ममता की तानाशाही देख दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह भी करेगा उनकी तारीफ। ये फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का दावा, कहा आरजीकर अस्पताल में हुई घटना को लेकर आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स का दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। ममता सरकार के फैसले को बीजेपी ने तालिबानी फतवा बताया। टीएमसी का मतलब है तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर, तानाशाही मुझे चाहिए, और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड दिखाते हुए एक तालिबानी फतवा जारी हुआ है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा, जो डॉक्टर्स ने डाला है कि 43 डॉक्टर्स जो आवाज उठा रहे थे बंगाल की बेटी के लिए, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। नासिक में दो समूहों में झड़प के मामले में 15 गिरफ्तार किया गए हैं। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। इलाके में पुलिस बल की तैनाती, हालात सामान्य। महाराष्ट्र के नासिक में दो समुदायों के बीच में बवाल हो गया। बंद को लेकर दो गुटों में विवाद के बाद पथराव, दोनों तरफ से पथराव के दौरान कई लोग घायल। पथराव के बाद इलाके में तनाव, भारी फोर्स की हुई तैनाती। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ था बंद का आह्वान। उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी के बाद हिंसा भड़की, आक्रोशित भीड़ ने शहर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। जयपुर से उदयपुर जा रही है एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम, नाबालिग छात्र का इलाज करेंगे डॉक्टर्स, 6 से 9 डॉक्टर्स करेंगे नाबालिग का इलाज। उदयपुर में हुई घटना को लेकर रिपब्लिक भारत ने पीड़ित की मां से बात की। कैमरे में मां ने जाहिर किया दुख, कहा मेरे बेटे को किसी से मेरे बेटे की दुश्मनी नहीं थी, उस पर हमला किया गया। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंका है। हिंसा के बाद उदयपुर में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू की। उदयपुर में हिंसा के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। हालत को काबू करने और अफवाहों से बचने के लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद। उदयपुर हिंसा के बीच पुलिस का एक्शन, माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उदयपुर के एसपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेताया, कहा अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। सख्त ये मैसेज दिया है कि कहीं पर भी कोई अगर बदमाशी करता है या माहौल को खराब करने करता है या लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करता है, हमने मैसेज क्लियर कर दिया है कि हम इसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जयपुर में मामूली बात पर चाकूबाजी, रिक्शा की टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया। हमले में युवक की मौत, घटना से नाराज लोगों ने स्थानीय विधायक और पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारत की अध्यक्षता में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया, कहा हर तरफ अशांति और अस्थिरता, भारत ग्लोबल साउथ में सभी देशों के साथ काम करने को तैयार। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद, खाद्य सुरक्षा अहम मुद्दे हैं, हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ना होगा और एक दूसरे की ताकत बननी होगी। आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद हमारे समाजों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। आज वाराणसी का दौरा करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कई निजी कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आजमगढ़ से निर्धारित कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे। दिल्ली में आज बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होनी है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन मंत्री शामिल होंगे। शिक्षक भर्ती पर आए नए फैसले का यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया है, कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में योग्य कदम। पेरिस से वापस लौटी पहलवान विनेश फोगाट, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। भारत पहुंचकर भावुक हुई विनेश। विनेश के स्वागत के लिए बजरंग पूनिया भी पहुंचे थे एयरपोर्ट, साक्षी मलिक, दीपेंद्र हुड्डा भी मौके पर मौजूद रहे। शानदार स्वागत देख रो पड़ी विनेश फोगाट, समर्थकों से मिले प्यार पर जताया आभार, सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। एमपी के सीधी में छात्रा ने खुद पर धारदार हथियार से कई वार कर लिए, छात्रा की हालत गंभीर, पुलिस ने एक नाबालिग युवक को हिरासत में लिया है, छात्रा के बयान के आधार पर कार्रवाई होगी।
झांसी में शिक्षक नियुक्ति विवाद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। भोपाल में मदरसों को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला, गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी तो होगी कड़ी कार्रवाई, स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपदा से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया, नुक्कड़ नाटक के तहत लोगों को जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाके में फंसे जवान का सेना ने रेस्क्यू किया, सेना के हेलीकॉप्टर ने नदी किनारे पत्थर पर लैंड करके जवान को निकाला, रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया। एमयूडीए घोटाले में कर्नाटक के राज्यपाल का एक्शन, मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, काम कराने के एवज में मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत। यूपी के रामपुर में दिल्ली गाजियाबाद की नारकोटिक्स टीम की छापेमार कार्रवाई, दवा कारोबारी के पास से नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया, इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे पटरी से उतरे, कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास हुआ हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रेल हादसे में सभी यात्री सुरक्षित, आईबी और यूपी पुलिस कर रही मामले की जांच, मदद के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर, राहत और बचाव कार्य जारी। कानपुर में हुए रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट, लिखा ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराया इंजन, देर रात 2:30 बजे करीब हुआ था हादसा। कानपुर में रेल हादसा, जांच अधिकारियों को ट्रेन के पास मिला एक टुकड़ा, टुकड़े की जांच जारी। कानपुर में हुए रेल हादसे पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर का बयान, कहा अभी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, जांच के बाद पूरा सच सामने आएगा। इस बार से इसमें हिट की है, लेकिन अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तभी हम कुछ कह पाएंगे, अभी हमारा फोकस है कि हम रेस्टोरेशन का काम करें। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा हुआ, 2 लड़कियों को गाड़ी से रौंदने का वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। एमपी के नीमच में रफ्तार का कहर, ट्रक ने दोनों गाड़ियों में मारी टक्कर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल हो गए। यूपी के सीतापुर में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार ने युवक को रौंद दिया, युवक की मौके पर मौत, कार सवार घायल। यूपी के मऊ में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, ट्रक के नीचे आने से बाइक सवार की मौत हो गई, ट्रक चालक मौके से फरार, आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान के जयपुर में ढह गई बहुमंजिला इमारत, भारी बारिश की वजह से इमारत गिर गई, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बांदा में दर्दनाक हादसा, नदी में नहाने गए 6 किशोर पानी में डूब गए, 5 को सुरक्षित बचाया गया, 1 की तलाश जारी। यूपी के मेरठ में मामूली विवाद के बाद 2 गुटों में तनाव, बच्चों पर डीजे का बॉक्स गिरने से हादसा हुआ, बच्चों के घायल होने के बाद 2 गुटों में संघर्ष। यूपी के रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद, एक घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, सीसीटीवी के जरिए जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई, ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और अज्ञात महिला के साथ लापता छात्रा भी मिली, परिजनों का पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। लखनऊ के गोमती नगर में बवाल, ज्वेलरी शोरूम में हुआ विवाद, सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम, मामले को शांत करवाया। यूपी के रायबरेली में युवक की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों का डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में गुस्सा। पश्चिम बंगाल में एक युवती के परिजनों ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट, अपनी प्रेमिका से मिलने बंगाल आया था प्रेमी, छिंदवाड़ा का रहने वाला था युवक, 1 महीने से था लापता, पुलिस ने कंकाल बरामद किया। यूपी के मुरादाबाद में दहेज के लिए सिपाही ने पत्नी से हैवानियत की, पीड़िता की हालत गंभीर, शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 3 बदमाशों को लगी गोली, पुलिस की वर्दी पहनकर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 2 अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़, फायरिंग के दौरान 6 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आरोपियों पर पहले से दर्ज है कई केसेस।